दोस्तों नमस्कार, मैं केसी वेरवा आरसी केतान पॉलिटेक्निक जयपुर से। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र। टॉपिक का नाम है द क्रॉस सेक्शन एरिया हेड थ्रोट एंड एग्जिट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड नोजल लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया एट थ्रोट और एग्जिट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैक्सिमम डिस्चार्ज आता है। और जैसे कि पहले अपन पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन कब होती है, जब आपके पास में थ्रोट पर प्रेशर जो होता है वो क्रिटिकल प्रेशर होता है। यानी थ्रोट पर अपन को जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके लिए क्रिटिकल प्रेशर के लिए अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। और उसके लिए क्योंकि यदि इनलेट की कंडीशन पता है और उस इनलेट की कंडीशन को क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में थ्रोट का प्रेशर आ जाता है। और ये थ्रोट का प्रेशर वो प्रेशर है जिस पर आपके पास में डिस्चार्ज एट थ्रोट विल बी ए मैक्सिमम। इनिशियली कंडीशन आपके पास में जैसे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की बात करते हैं, आपने पहले क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फाइंड आउट किया हुआ है और वो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो आपने देखा होगा कि RC यानी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो PT/P1 जिसकी अपन बात करते हैं वो 2/N+1/N/N-1 के बराबर होता है। इससे देखते हैं कि जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो है वो इनिशियली आपके पास में जो है टोटल जो डिपेंड करता है वो N की वैल्यू पर डिपेंड करता है। यानी N की वैल्यू जो है वही आपके क्रिटिकल प्रेशर रेशियो डिसाइड करती है। और N की वैल्यू जो है वो डिफरेंट स्टीम कंडीशन जो इनलेट पर हैं उनके लिए डिफरेंट होती है। यदि इसी फॉर्मूले को अपन एयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एयर के लिए N की वैल्यू गामा से रिप्लेसमेंट हो जाएगी, या पर्टिकुलर गैस जो है उसके लिए भी गामा से रिप्लेसमेंट हो जाएगी। लेकिन जहाँ अपन स्टीम नोजल की बात करते हैं तो अपने स्टीम की बात करते हैं और स्टीम अपने पास में तीन तरह की होती है। पहली स्टीम वो जो आपके पास में ड्राई एंड सैचुरेटेड होती है, दूसरी स्टीम वो जो सुपरहीटेड होती है, और तीसरी स्टीम वो है जो वेट होती है। ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम की अपन बात करते हैं तो उसके लिए जो N की वैल्यू है 1.135 होती है। और यदि इसकी N की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं तो आपके पास में एक RC की वैल्यू आती है, यानी क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की वैल्यू आती है, वो आती है 0.58। ठीक है, इसी तरह से N की वैल्यू सुपर हीटेड के लिए 1.13 होती है। और इसकी वैल्यू को पुट अप करने के बाद में अपन अगेन N की वैल्यू RC की जो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अलग डिफरेंट जो गैसेज हैं आगे देखिए, इस तरह से देखिए आप RC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। RC की वैल्यू आपके पास में ये होगी सुपरहीटेड स्टीम के लिए। और यदि वेट स्टीम की बात करते हैं तो वेट स्टीम के लिए N की वैल्यू कैलकुलेट करने का अपने पास ये फॉर्मूला है, जहाँ ये X की वैल्यू ड्राइनेस फ्रैक्शन है स्टीम का, क्योंकि वेट होगी तो वेट में ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू रखकर आप यहाँ पर N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और N की वैल्यू को आप क्रिटिकल प्रेशर रेशियो की इक्वेशन में रखने के बाद में आप क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से आप क्रिटिकल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि आपको इनिशियली प्रेशर आपके पास में दिया गया है। चूँकि नोजल में आपके पास में जो एक्सपेंशन होता है वो आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, इस वजह से जो प्रोसेस होगा वो आइसोट्रोपिक प्रोसेस होगा। सो आइसोट्रोपिक प्रोसेस यदि अपन लगाते हैं इनिशियली कंडीशन लेट पर और आउट ट जो आपका थ्रोट है अभी प्रेजेंट में वहाँ पर लगाते हैं तो आपके पास में इक्वेशन होगी S1=ST, जहाँ S1 इनिशियली कंडीशन है इनलेट पर आपके पास में एंट्रोपी है और ST है वो एंट्रोपी आपके पास में थ्रोट पर, क्योंकि S1=ST आइसोट्रोपिक प्रोसेस है। इससे अपन S यहाँ से जो अप्लाई करने के बाद में अपन उसकी कंडीशन थ्रोट पर क्या है ये फाइंड आउट कर सकते हैं स्टीम की। और स्टीम की कंडीशन फाइंड आउट करने के साथ साथ अपन उस पर जो थ्रोट पर उसकी एंथैल्पी है वो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि एंथैल्पी थ्रोट पर क्या होगी। क्योंकि गिवन कंडीशन है इनिशियली आपके पास में H1
जो अपन P1 कंडीशन पर फाइंड आउट कर सकते हैं स्टीम टेबल या मोलर चार्ट से, ठीक है। और HT आपने एंथैल्पी थ्रोट पर कैलकुलेट कर ली, तो थ्रोट पर जो वेलोसिटी होगी स्टीम की वो क्या होगी, वो अपन इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी VT इक्वल टू ए 44.72 रूट H1 माइनस HT, दोनों H1 की वैल्यू और HT की वैल्यू अपन, H1 की वैल्यू पता है इनिशियल कंडीशन से, H2 की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की है बाई अप्लाई ए कंडीशन S1 इक्वल टू ए HT से। चूंकि एज ए क्रिटिकल प्रेशर पर आपके पास में नोजल से जो डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, इस वजह से अपन इस मैक्सिमम डिस्चार्ज को, अपन गिवन कंडीशन है कि मैक्सिमम अपन को कितना डिस्चार्ज चाहिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। VT अपने पास फिक्स हो गया कि कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट ए थ्रोट अपन अगेन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की होगी आपने एट ए थ्रोट पर जो। सो गिवन कंडीशन से अपन वहाँ पर VT पर स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर पर, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उस कंडीशन के इस फ्लो डिस्चार्ज के लिए आपके पास में थ्रोट का एरिया क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आप थ्रोट पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपने थ्रोट पर फाइंड आउट कर लिया ये सारी चीज़ें, सो जब थ्रोट पर क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट कर लिया, आप थ्रोट पर उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं कि AT इक्वल टू ए पाई बाई 4D² π d² / 4 यदि क्रॉस सेक्शन आपका सर्कुलर है तो, और यदि क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है तो आप अगेन इसी के AT इक्वल टू एक्स स्क्वायर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी साइड क्या होगी। सो ये जो गिवन कंडीशन है कि आपके पास में शेप किस तरह की शेप है उस नोजल की, उसके बेस पर अपने उसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं एट ए थ्रोट। अब इसी कंडीशन को देखिए अप्लाई करें अपने एग्जिट पर। एग्जिट का प्रेशर आपको दिया गया होगा, और जब एग्जिट का प्रेशर दिया गया है तो एग्जिट पर भी आप एंथैल्पी H2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन आपको S1 इक्वल टू ए अब H2 की इक्वेशन लगाएंगे क्योंकि आपके पास में एग्जिट H2 है। सो S1 इक्वल टू ए H2 लगाकर अपन इस पर कंडीशन जो फाइनल कंडीशन है एग्जिट पर कंडीशन क्या है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अपन उस पर एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एग्जिट पर स्ट्रीम की एंथैल्पी क्या होगी, जैसा कि आपको यह दिखाया है। जब एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं तब आपके पास में एग्जिट वेलोसिटी जो स्ट्रीम की है वो क्या होगी वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि आपके पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन दी हुई है ये, सो अगेन आपके पास में V2 है, अगेन स्पेसिफिक वॉल्यूम जो आपके पास में आउटलेट पर है, आप आउटलेट का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप थ्रोट का क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और एग्जिट का क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं नोजल के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं KC बेरवा RC खेतान पॉलिटेक्निक जयपुर से।
ये आपको नोजल दिखाया गया है, इस नोजल में देखिए आपके पास में ये नोजल है, इस नोजल का ये पूर्ण जो पोर्शन है कन्वर्जेंट पोर्शन कहलाता है और ये डाइवर्जेंट पोर्शन कहलाता है। यहाँ से इसका मान लीजिए कि आपके पास में ये जो कन्वर्जेंट पोर्शन है इसका जो सेमी कन्वर्जेंट एंगल है ये बीटा है, और ये जो डाइवर्जेंट पोर्शन है इसका सेमी एंगल जो है ये अल्फा है। इनिशियली जो इनलेट पर नोजल का डायमीटर डी वन है और एग्जिट पर आपके पास में नोजल का डायमीटर डी टू है और थ्रोट पर इसका डायमीटर डी टी जो है आपको ये दिखाया गया है इस तरह से। सो ये जो डी वन है आपके पास में, ये जो डी वन है आपके पास में ए वन कैलकुलेट करके अपन डी वन कैलकुलेट कर सकते हैं और ए टी कैलकुलेट करके अपन डी टी कैलकुलेट, जैसा कि पहले अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ए टी और ए वन और ए टू, और ए टू जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो अपने पास में डी टू आ जाता है। इस तरह से अपने पास में ये जो डायमेंशन है एट ए आउटलेट, एट ए इनलेट और एट ए थ्रोट, अपन जो डायमीटर्स हैं सर्कुलर सेक्शन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ से ये इस ट्राइंगल की बात करता हूँ मैं, इस ट्राइंगल में आपके पास में ये जो पता है आपके पास में ये जो लेंथ है ये कन्वर्जेंट पोर्शन है उसकी लेंथ है एल वन, इसी तरह से ये जो एल टू लेंथ है ये डाइवर्जेंट पोर्शन की लेंथ है एल टू। सो अपने इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल में आपने देखिए कि ये डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू ए टेन बीटा, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है फिगर्स में से। सो डी वन माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टू अपॉन एल वन इक्वल टू ए टेन बीटा। सो यहाँ से अपन एल वन कैलकुलेट कर सकते हैं, एल वन इक्वल टू ए डी वन माइनस डी टी अपॉन टू इन टू टेन बीटा के बराबर, जहाँ आपके पास में टेन बीटा, बीटा जो है आपके पास में सेमी कन्वर्जेंट एंगल है, ठीक है। इसी तरह से आप डाइवर्जेंट एंगल की बात करते हैं तो डाइवर्जेंट एंगल अपने पास में इस इक्वेशन से आपके पास में ये इस तरह से आप L2 कैलकुलेट कर सकते हैं और L1 प्लस L2 की जो जोड़कर अपने पास में टोटल जो लेंथ है नोजल की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से पहले की जो कैलकुलेशंस हैं आपके पास में मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन में आपके पास में डायमीटर एट ए इनलेट, डायमीटर एट ए थ्रोट एंड डायमीटर एट ए आउटलेट पर कैलकुलेट करने के बाद में अपन जो नोजल है उसकी लेंथ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नोजल के एंगल अपने डाइवर्जेंस पोर्शन के एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल की यदि लिमिट अपने पास में 10 टू 25 डिग्री रख लेते हैं सो उस सिचुएशन में अपन जो लेंथ है आपके पास में L2 कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट की बात करते हैं, ये जो पोर्शन है शॉर्ट पोर्शन होता है, इस वजह से बीटा की वैल्यू आपके पास में इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगेन अपने बीटा सेलेक्ट करके, वेरिएशन के सेलेक्ट करके बीटा की वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद में आप L1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से टोटल लेंथ ऑफ नोजल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास में ये सारा है जिससे अपन नोजल की लेंथ, मैक्सिमम डिस्चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन ये सारी की सारी इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।